अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, प्रोग्राम एतराज़ तुमसे के साथ मैं हूँ फैसल इकबाल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू को डिस्कस करते चलेंगे और जिसकी अहमियत को उजागर करेंगे वो है मसला, और वो मौजू है सकाफत के हवाले से। हम आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की सकाफत को हाईलाइट करेंगे। हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सकाफत आज किस दौर पर खड़ी है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आज कर दी गई है, जो कि एक सकाफत से चीज़ें कुछ मुंसलिक होती हैं, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ कर दी गई हैं इम्प्रूवमेंट के नाम पे, और वो किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है हमें। सकाफत किसी भी मुल्क के किसी भी अगर सियासी सकाफत की बात करूँ, किसी भी मुल्क के कल्चर के हवाले से बात करूँ, उसके मुल्क की असल बुनियाद के हवाले से बात करूँ, तो बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सकाफतें मौजूद हैं, पाकिस्तान का कल्चर मुख्तलिफ है दूसरे ममालिक से, लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या है कि हम अगर अपने मुल्क में अपने मुल्क की सकाफत को हाईलाइट नहीं करेंगे, हम दूसरे ममालिक के सामने अपनी सकाफत को सही तरीके से रख नहीं पाएंगे, हम अपने रिवायात को अपने अहसन इकदाम को लोगों के सामने रख नहीं पाएंगे, तो हम अपने पाकिस्तान को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक अहम मसला हमारे दरमियान मौजूद रहेगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली सितम ज़रीफ़ी वक्त ये है कि हम अग़यार की तरफ मूव कर चुके हैं, हम मगरिब की सकाफत को अपनाते चले जा रहे हैं। हम लोग भूल चुके हैं कि पाकिस्तान की असल सकाफत क्या थी, हमारे आबाओ अजदाद की असल सकाफत क्या थी। अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब की सकाफत जो आज उस दोहराए पे खड़ी है, उस चौक और चौराहों पे खड़ी रह गई है, आज वो इंटरनल सिस्टम को इस तरह डैमेज करती हुई और इम्प्रूव करती हुई नज़र नहीं आ रही है जिस तरह एक्चुअल में उसे करना चाहिए। आज वो सकाफत उभरती नज़र नहीं आ रही है और दम तोड़ती नज़र आ रही है, उसका सूरज ग्रूब होते नज़र आ रहा है। पंजाब की सकाफत भी इसी मसले से दो चार है, और सिंध की सकाफत भी इसी मसले से दो चार है, और मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ की सकाफत उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन वो सकाफत के लिहाज से अपने कल्चर के लिहाज से ख़ुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम जिस दौर में खड़े हैं, इस सोशल मीडिया के इस दौर में, इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म में जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, उसमें ये ऐसा दौर आ चुका है, एक ऐसा कल्चर आ चुका है कि जिसकी वजह से हम अग़यार की सकाफत को अपनाते चले जा रहे हैं, अग़यार के कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं। आज यहाँ हम जो सवाल उठाएंगे, जिन इश्यूज को हम हाईलाइट करेंगे, वो ये है कि हम अपनी सकाफत से दूर होते हुए किस तरह खुद की बुनियादों को कमज़ोर कर रहे हैं। हम अपने कल्चर से, हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से जो हमें कल्चर मिला था, स्पेसिफिक कल्चर था जो हमारी नुमाइंदगी करता था, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन था, वो आज हमसे कितना दूर जा चुका है, हम उसे कितना फरामोश किए बैठे हैं, और आज हमारे लिए उसकी अहमियत क्या है, उसे मज़ीद अहमियत को उजागर करने के लिए हम इसमें बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अब्दुल मजीद पठान साहब ने, PZPO चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब्दुल मजीद पठान साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारी किसी भी मुल्क की सकाफत बड़ी अहमियत की हामिल होती है, पाकिस्तान की अपनी सकाफत है, पाकिस्तान का अपना एक कल्चर है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी वक्त ये है कि आज हम अहमियत जो दी जा रही है अपनी सकाफत को, हम दे नहीं पा रहे हैं। हम अग़यार के कल्चर को अडॉप्ट करते नज़र आ रहे हैं, अग़यार की महफिलों को अडॉप्ट करते नज़र आ रहे हैं, अपने आबाओ अजदाद का कल्चर भूल गए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पर दिया। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, लेकिन अभी जो कल्चरल डे वगैरह का नया एक सिलसिला चला है 4-5 साल से, तो उसमें बलूचिस्तान और NWP, सिंध, पंजाब, हमारा कश्मीर का कल्चर, हमारा गिलगित का कल्चर, और आप ये देखें कि हमारा हिंदी को स्पीकिंग उनका कल्चर बहुत, पाकिस्तान जो है कल्चर के मामले में रिच है, और आप देखें सिंध का जो कल्चर है हजारों साल पुराना है। अभी आप देखें मोहनजोदड़ो की तहजीब जो है वहां देखें आप, तो हजारों साल पहले भी वहां पर सिविलाइजेशन थी और बेहतरीन तरीके से लोग रहते थे, तो उस कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। उसके साथ साथ चीजें ठीक है, ग्लोबलाइजेशन है, उसकी वजह से लोग ठीक है, कल्चर है कि चलो एक जनरली पैंट शर्ट पहन ली जाए, ये कर ली जाए, लेकिन अपनी जबान और अपने कल्चर को न छोड़ा जाए। आप कितनी भी जबानें सीखें उसका फायदा होता है, आप इंग्लिश जरूर सीखें, आप उर्दू जरूर सीखें, आप किसी फ्रांसीसी जरूर सीखें, चाइना आपके नजदीक है चाइनीज आप सीखें, आप फ्रेंच सीखें, तो उसमें जो भी अरबी आपको आनी चाहिए, तो कम से कम आप जिस कंट्री में जाएंगे उसका फिर फायदा लिया जा सकता है, और वहां पर आप जाके उनके कल्चर में उनका लिबास पहनेंगे तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर कोई बाहर से ब्रिटिशर या ऑस्ट्रेलियन या जो भी यहाँ पर अमेरिकन आते हैं, और वो मैं कोई औरत देखें आप या मर्द देखें, उन्होंने सलवार कमीज पहना होता है, तो हम लोग कितने खुश होते हैं और वो लोग भी खुश होते हैं।
तो ये कल्चर, अपना कल्चर जो है वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उसको प्रोमोट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। मैं पहली बात, उनका फर्ज बनता है। और उसके साथ साथ हमारी जो एनजीओज हैं, सोसाइटीज बनी हुई हैं, हमारे माशाल्लाह जो भी छोटे छोटे ग्रोही कबीले हैं, तो उनको चाहिए कि अपने कल्चर को, कल्चर डे पे प्रमोट करें और अपने कल्चर को, और देखें कल्चर कितना खूबसूरत लगता है। आप देखें ना, तो हमारी बेटियां, बहनें, माएं पहनती हैं गज वगैरह, ये वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह आप देखें हर सूबे में, इसी तरह हमारे, आप देखें कि हर सूबे का अपना अपना मर्द जो है उसी के कल्चर के हिसाब से जब लिबास पहनता है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत लगता है कि दिल चाहता है कि हम इसी लिबास में वही रहें। तो ये मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कल्चर को न भूला जाए और कल्चर को प्रमोट किया जाए और अपनी जबानों को भी प्रमोट किया जाए। मुझे साहब, ये जो मॉडर्नाइजेशन के दौर में इसकी आड़ में मॉडर्न की कहा जाता है कि हम अब मॉडर्न हो गए हैं, हमारा एज बदल गई है, न्यू जनरेशन आ गई है, इसकी आड़ में हम अपने तमाम कल्चर्स को जो हमारे बाबाजदाद की तरफ से हमें रिवायात दी गई थी, लिबास के हवाले से भी कुछ रिवायात मौजूद थी और दूसरे बहुत से ऐसे मामलात में रस्म और रवाज के हवाले से हमारी कुछ रिवायात मौजूद थी जो हमारे इकतदार से मुंसलिक थी, तो आज हम उन्हें फरामोश किए बैठे हैं। तो इस पे क्या इफेक्ट आ रहा है हमारी यंग जनरेशन पे, क्या असर आ रहा है कि हम अपनी असल बुनियाद को भूले बैठे हैं? तो एट द एंड ऑफ द डे इस पे क्या तासुरात नजर आएंगे, क्या इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं आपको? अगर देखे ना, हम अपने कल्चर को भूल जाएंगे। अब आप देखे ना, अगर आप घर के बड़े हैं, मैं बड़ा हूँ, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को अपने बारे में बताया जाए, अपने कंट्री के बारे में बोल कैसे बना था वो भी बताया जाए और अपना कल्चर भी बताया जाए, अपनी जबान को बताया जाए कि अपनी जबान जो भी मादरी जबान है आपकी, आप घर में बोले इंग्लिश उर्दू वैसे ही वो सीख जाता है, और किसी मुल्क में जाता है तो वहां की लैंग्वेज भी वो मजबूरन सीख ही जाता है, तो उसने जॉब करनी होती है वहां। तो ये है कि अपनी न्यू जनरेशन को आप अपने साथ जो आप बड़े हैं लेके चले, और इंशाल्लाह हम, हमारा कल्चर कहीं नहीं जाता, हमारी जबानें कहीं नहीं जाती, और ये ग्लोबलाइजेशन है, इसका थोड़े से असरात होते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि न्यू जनरेशन इसको भूल पाएगी। हमारा कल्चर बहुत रिच है और बड़ा खूबसूरत है, और हमारी न्यू जनरेशन को भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जनरली आजकल जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वो जीन्स वीन्स पहन लेते हैं, टी शर्टें पहन लेते हैं, और लड़के लड़कियां एक ही साल लगता है, पता ही नहीं चलता है, कुछ तो पोनी ओनी शोनी बांध देते हैं पीछे, पता नहीं चलता है लड़का है लड़की जी है। बिल्कुल तो ये मामलात हैं, लेकिन उसके बाद भी मौजूद हमारा माचारा कल्चर जो है, इसमें हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए कि अपने कल्चर को प्रमोट करें और न्यू जनरेशन को उसकी अपना ट्रेक लेके चलें हम साथ साथ अपने, तो इंशाल्लाह बेहतर मुझे होगा। साहब एक बात मेरे पर्दा फिक्र से हमेशा टकराती है यहाँ पे, कि मैं की बात करूँ तो मुझे मेरे बाबू बहुत कम पता होगा कि हमारा कल्चर क्या था, फ्यूचर जो है न्यू जनरेशन जो आएगी वो बहुत कम जान पाएगी कि हमारे माजी में हमारे बाबूजदाद ने क्या किया, क्या लिबास ज़ेब-तन करते थे वो, किस तरह रस्मात को अंजाम देते थे, किस तरह एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता था, और उससे आने वाली जनरेशन को ये और मसला नज़र आएगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि बच्चों की आगाही कर सके कोई इवेंट्स के हवाले से, ये किस किस बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपने पैगाम को, अपने कल्चर को न्यू यंग जनरेशन तक बआसानी पहुंचा सके, इसमें क्या इकदाम किए जा सकते हैं? बिल्कुल, मैं इसे ये बिल्कुल, इसमें इस चीज को जो है डिस्कस करें, उसके साथ साथ जो है हमारी जितने भी से बाजरे की रोटी और रोटी और साग पर
जब उनको असली घी आप देखेंगे तो उनको सिमल आएगी, बोला नहीं 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 ये पता नहीं क्या चीज है, मुझे हटाओ हटाओ मुझे उल्टी आ रही है। तो इसको अगर बचपन से ही माँ बाप जो है ये अपनी चीजें बताएंगे खिलाएंगे तो हेल्दी भी रहेंगे बच्चे हमारे, और माशाल्लाह जो है हमारा कल्चर भी वो प्रमोट होता रहेगा। इसमें कल्चर में तो सारी चीजें आ जाती है ना, कि आपकी कुकिंग भी आ जाती है, अपने रहन सहन भी आ जाता है, आपके घर की डेकोरेशन भी आ जाती है। आप देखें घर को आप कल्चरल उसे टच से एक कमरा बनाए खूबसूरत चाहिए, एक एक कमरा घर में जरूर होना चाहिए। पंजाबी हैं तो वो अपने हिसाब से बनाए, सिंधी हैं वो बलोची, एक एक रूम घर में, अगर तीन चार रूम है एक घर में कल्चरल टच जरूर एक अपने घर में दे जी। तो फ्यूचर मुझे सब अगर मैं यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख देखूं तो एक परसेप्शन आती है कि जो हमारे कल्चर है हमारा जो निज़ाम है ये हमारे दरमियान दरार भी पैदा करता है। ये दूसरी तस्वीर का अगर रुख मैं डिस्कस करता चलूँ, सिंधी कहा करता है कि मैं सिंधी हूँ, पंजाबी कहता है मैं पंजाबी हूँ, बलोची कहता है मैं बलोची हूँ, तो ये हमारे दरमियान क्या पार्टीशन पैदा नहीं की जा रही कि एक सिंधी कहता है बजाय इसके कि हम एक मुस्लिम है कौम है। मैं तस्वीर के अगर दूसरे रुख के हवाले से बात करूँ तो क्या ये स्पेसिफिकली अगर इन चीज़ों को डिस्कस करें तो आपका इससे मुतालिक क्या नज़रिया है? बिल्कुल आपने फरमाया, ये थोड़े मामला छोटे मोटे होते हैं लेकिन अब अगर आप कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे और उनका ख्याल करेंगे, अगर सिंध वाले जो है पंजाब वालों की रिस्पेक्ट करेंगे, उसके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह जो है बलूचिस्तान वाले उसे कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह ये चीजें और मोहब्बतें बढ़ेंगी। और मैं नहीं समझता हूँ कि मोहब्बतों में कमी हो, और अभी हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं फिर हम जो है अपने जो भी हमारी सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, बलोई की हैं, कश्मीरी हैं और गिलगिती हैं, हम कुछ भी हैं वो है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ये चीजें जो है इस तरह नफरत में जा रही है नहीं, और इसको भी प्रमोट करना चाहिए कि जो है अम्मांगी होनी चाहिए, मोहब्बतें बढ़ानी चाहिए अपने अपने उसमें प्रांत के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, दूसरे का ख्याल करेंगे, इज्जत करेंगे, दूसरे कल्चर की आप इज्जत करेंगे तो आपकी अपनी भी इज्जत होगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम इतना दूर गए हैं या जा सकते हैं, और अल्लाह खुदा ना खास्ता, और मैं पुरउम्मीद हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और माशाल्लाह हर एक जो है प्रांत दूसरे प्रांत की रिस्पेक्ट करता है लैंग्वेज की और हर चीज की, और हम जो है एक फेडरेशन है और फेडरेशन में ये है कि मुख्तलिफ कौमें होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, तो देखें कि हमारा सेनेट भी है, सेनेट में इसलिए है कि ये जो अगर कोई बड़ा सूबा है एक छोटा सूबा है तो वहां पर उन्होंने बैलेंस किया हुआ है, उसमें सीटें एक बराबर है, तो अगर कोई बिल आता है नेशनल असेंबली में तो वो अप्रूव होता है, तो अगर सेनेट में अगर उसकी मेजॉरिटी छोटे प्रांत की नहीं है तो सेनेट में उसके उतने ही नंबर है जितने और बड़े सूबे के हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी हमारी फेडरेशन में है और मोहब्बतों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे, तो ये नफरतें जो है ये खत्म हो चुकी है, खत्म है, और आगे भी इंशाल्लाह इनको बिल्कुल ही खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गंदे लोग इसको प्रमोट ना करें। जी साहब एक और परसेप्शन पाया जाता है के पठान और सिंध के हवाले से, आप तो सिंध को बड़े बेहतर अंदाज से जानते हैं कि सिंध में कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही थी कि पठान जो है वहाँ उनके काम करना मना है और ये कुछ इस हवाले से बड़ी खबरें सामने आ रही थी, तो आपने तो एक्चुअल में चीज़ें देखी होंगी, फेस किया होगा, क्या ये हकीकत है, क्या सिंध में पठान कौम को तरजीह नहीं दी जाती, अहमियत नहीं दी जाती, या एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके खिलाफ वर्जी की जाती है, या ये महज अफवाहें हैं खबरें हैं, और अगर ये ऐसा है भी जो हमारे यहाँ ये कौम को डिवाइड कर दिया जाता है कि ये पठान है ये सिंधी है और इंकशार पैदा किए जाते हैं, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? लोग इंतजारी लोग होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये कुछ करते हैं लेकिन ऐसी कोई इतनी कोई
ऐसी बात आ ही रही है सामने जिससे ज्यादा हो। सिर्फ ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन था कि वो पठानों से एक्चुअली वो नहीं है, जिनमें अगर ये थोड़ा बहुत मामला उठा भी था ना तो वो अफगानियों से था कि भाई अफगानी जो है यहाँ के लोकल नहीं है तो इनको जो है अपने उसमें कंट्री में जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ कहीं पर अफगानियों ने, अब लोकल आदमी जो होता है उसके इलाके लोकल कोई बाहर मुमालिक आदमी कहीं भी आप पाकिस्तानी आप अगर मिडिल ईस्ट में जाके कोई हरकत करेंगे तो बख्शेंगे नहीं आपको। तो इसलिए वो थोड़ा सा अफगानियों के हवाले से था। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पश्तो स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग या उर्दू स्पीकिंग या बलोची उनमें कोई नफरत नहीं है, मोहब्बतें हैं और मोहब्बतों के साथ हम अपने मुल्क में आगे बढ़ रहे हैं प्यार मोहब्बत के साथ। और अभी आप कल्चरल डे पे देखें तो लोग सबने पार्टिसिपेट किया, हर जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हर सूबा जो है दूसरे सूबे के कल्चर को भी जब डे आता है तो मनाता है। तो ये बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े ऐसे तरीके से चीज़ों को हाईलाइट करते हुए वाजह किया कि जो इंकशार फैलाया जा रहा है वो उसे ख़त्म करना चाहिए, जो लोग कर भी रहे हैं अपने पंजाब के कल्चर के हवाले से, सिंध के कल्चर के हवाले से भी आपने डिस्कस किया कि किस तरह बेहतरी जा रही है, और सबसे अहमियत के हवाले से भी उजागर किया। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि इन तमाम कल्चर्स को हमने डिस्कस कर चुके हैं, गवर्नमेंट जो है इस वक्त इकदाम भी करवा रही है स्कूल्स में, इसको मज़ीद बेहतर किस तरह कर सकते हैं? हमारे यहाँ अगर ये मसला पाया भी जाता है कि एक सिंधी और पंजाबी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, जो कि बहुत कम है, बहुत रेयर है, इन फ्यूचर खुदा न खास्ता अगर ये बढ़ता चला जाए, बजाय इसके कि मुस्तकबिल में चीज़ें बढ़ती चली जाएँ कि मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं पठान हूँ, तो इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? क्या निचली सतह पर स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए या कुछ और इवेंट्स करवाने चाहिए जिसकी वजह से लोगों के दरमियान मोहब्बत और शऊर पैदा हो सके? आपकी क्या राय है इस मामले से मुतालिक? बिल्कुल, मैं आपकी जो सजेशन है उससे इत्तेफाक करूंगा कि आप प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे ये जरूर सेमिनार वगैरह करें और बच्चों को भी अपने बताएं कि मोहब्बतों के ये रास्ते हैं, तो उससे भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। इससे मैं एग्री करता हूँ आपके बात से। और जो है वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो है बहुत ही ज्यादा मोहब्बत पाई जाती है सूबों में और लोगों में। अभी ये जो इस तरह की जो मामला थे पहले थोड़े बहुत, और वो पुराने दौर में अयूब खान के वन्यू लुट में और ये थोड़े से ज्यादा तलखियां हो गई थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 18 अमेंडमेंट वगैरह सूबों को अपने पावर मिल गए हैं और सबको अपने जो है अपना शेयर मिल रहा है गवर्नमेंट में हर प्रोविंस को। तो अब ये चीजें जो है बहुत पीछे चली गई हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है ना इस पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि मोहब्बत के रास्ते जो है हम इसको प्रोमोट करें और अपने एक दूसरे के कल्चर की इज्जत करें, एक दूसरे के प्रोविंस की इज्जत करें, एक दूसरे की जो है लैंग्वेज की इज्जत करें। तो इंशाल्लाह वो दूर नहीं कि हम एक पाकिस्तानी कौम है, एक है और एक रहेंगे और यूनिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मुजीद साहब आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। हमारे साथ अब्दुल मजीद पठान साहब मौजूद थे, PZPO चेयरमैन, और इनके खदबात मौजूद है पाकिस्तान के लिए। हम इस वक्त जो प्रोग्राम में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो पाकिस्तान के कल्चर के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। पाकिस्तान में सिंधी कल्चर पाया जाता है, पंजाबी है, पठान है। हमने डिस्कस किया कि अपने कल्चर के साथ, अपने इकतदार के साथ, अपनी सकाफत के साथ जुड़े रहने से हमारे मुल्क को, कौम को क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि अब इस कौम के नाम पर किस तरह इंतशार भी फैलाया जा रहा है, क्योंकि तस्वीर के दोनों रुख हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। सिंधी और पठान में क्या मसले पाए जाते हैं, पंजाबी और पठान में क्या मसले पाए जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मसले किस तरह दुरुस्त किए जा सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। इसके लिए तमाम स्कूल के प्रोग्राम्स और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए ताकि बाशऊर कौम को एक शऊर दिया जा सके, मजीद आगाही दी जा सके कि सिंधी भी हमारे साथ जो मौजूद हैं, पठान भी हमारे साथ जो मौजूद हैं, वो हमारे भाई हैं, और ये कौम अगर इकट्ठे उस वक्त कौम कहलाएगी जब ये मिल के तमाम दुख और गम में एक साथ खड़े होंगे और तमाम मसलों में एक साथ खड़े होंगे, उनके मसलों के हल में एक साथ खड़े होंगे और ख़ुशी में भी एक साथ खड़े होंगे, गम में भी एक साथ खड़े होंगे, तब जाके एक कौम बनेगी। और एक कौम अगर जब पाकिस्तान के लोग, तमाम लोग
ख्वाह वो सिंधी हो, ख्वाह वो पंजाबी हो, ख्वाह वो बलोची हो, इन तमाम चीज़ों से बालातर हो के ये सोचे कि हम लोग एक कौम है और बतौर कौम हमें तरक्की करना है, बतौर कौम हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अगर पाकिस्तान के शहरी हर शहरी ये सोचे कि मुझे बतौर कौम अपने मुल्क के लिए बेहतर करना है, अपने मुल्क की फलाह तरक्की के लिए बेहतर करना है, और पाकिस्तान के नौजवान जो इस वक्त स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मौजूद हैं, वो तमाम तरीक़ों से इन्हें बिल्ड करें कि मैंने अपने मुस्तकबिल में इस तरह करना है कि पाकिस्तान को मैंने बेहतरीन सतह पर ले जाना है, पाकिस्तान को उस बुलंद तरीन सतह पर ले जाना है कि जहाँ इसकी शम्स की रोशनी को क़वाम आलम भी देखेगा। और खुदा ना खास्ता अगर हमने ख़ुद को इस तरह डिवाइड कर लिया कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बलोची हूँ और मैं सबसे यूनिक कौम हूँ, मैं मुख्तलिफ कौम हूँ, मैं सबसे आला कौम हूँ, और दूसरे जो सिंधी या पंजाबी या पठान हैं वो मेरे मेयार पे नहीं उतरते, तो हम ज़िल्लत और रसवाई के उस मुकाम पर जा गिरेंगे कि जहाँ ना ज़मीन हमारी फरियाद सुनेगी ना आसमान को हम पर रहम आएगा। ये वो कुछ अहम चीज़ें थी। हमने कल्चर डे को भी प्रमोट करते हुए इसकी अहमियत भी बताई, और एट द एंड ऑफ द डे हमने ये भी बताया कि इसके नतज क्या निकल सकते हैं, इसे अगर हम इग्नोर कर देंगे तो उसके मसले क्या होंगे, अगर इसे हम हाई पीक लेवल पे ले गए तो उसके मसले क्या होंगे। हम नए प्रोग्राम के साथ, नए मसले के साथ, नए इशू के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।